नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय भूषण। आज आपके लिए लेके आए हैं द्वारका सेक्टर 14 के अंदर एल टाइप कॉर्नर का फ्लैट 100 गज का। थ्री साइड ओपन बिल्डिंग है, एल टाइप कॉर्नर, दोनों के दोनों 100 स्क्वायर यार्ड के फ्लैट हैं, वो अवेलेबल हैं अभी। पूरे के पूरे 100 स्क्वायर यार्ड में है, कम नहीं है। और मौके पे एल टाइप होने की वजह से, बालकनी एक्सटेंड होने की वजह से बहुत अमेजिंग साइज निकला है। दो टॉयलेट बाथरूम के साथ थ्री बेडरूम फ्लैट एल टाइप बालकनी के साथ। आइए शुरू करते हैं। 80% लोन के साथ है और द्वारका सेक्टर 14 में पड़ता है, ओल्ड पालम रोड से घुसते ही है बिल्कुल। और अगर दूसरी एंट्री, मतलब जो एग्जिट है इस पूरी पूरी गली का, वो सीधा निकलता है इस्कॉन टेंपल वाले चौराहे पर। तो पार्क्स पास हैं, वेगस मॉल बगल में है, सारी की सारी फैसिलिटीज़ एम्यूनिटीज़ हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आइए शुरू करते हैं वीडियो और आपको दिखाता हूँ 100 स्क्वायर यार्ड एल टाइप कॉर्नर फ्लैट थ्री बेडरूम का द्वारका सेक्टर 14 में लोनेबल फ्लैट, सेमी फर्निश्ड फ्लैट। आइए दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारी मेन डोर एंट्री है, लिफ्ट लगी हुई है, काफ़ी बड़ी लॉबी है। और ड्राइंग रूम के अंदर हम आ जाते हैं, बिल्कुल चकोर, बिल्कुल एकदम स्क्वायर फ्लैट है ये। ड्राइंग रूम बिल्कुल स्क्वायर है हमारा, अंदाजन 16x16 का ड्राइंग रूम है। सामने टीवी पैनल बना हुआ है, शैंडलियर लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग है, काम डिसेंट किया हुआ है। ड्राइंग रूम के अंदर नीचे विट्रीफाइड डिजिटल टाइल्स हैं मार्बल लुक लाइक में। तो हम किचन की एंट्री देखें तो दोस्तों, ये आपका ड्राइंग रूम के बाद हम आ जाते हैं हमारे किचन में। डुअल शेड में किचन है दोस्तों, हिंडवेयर की चिमनी लगी हुई है, सारे के सारे आपके SS के सॉफ्ट क्लोजर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, जितने भी इनोटेक है सारा सॉफ्ट क्लोजर है। यहाँ पे UPVC की विंडो लगी हुई है, SS का सिंक दिया हुआ है, एक डिसेंट साइज है किचन का, अंदाजन 9x8 के आसपास का किचन का साइज है, 9x7 के आसपास। रूम में जाने से पहले मैं आपको कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिखाना चाहूँगा। कॉमन टॉयलेट बाथरूम आप देख सकते हैं, डिसेंट साइज है, आपको वॉल माउंटेड सीट्स लगी हुई हैं। तो ये आ गए हमारे फर्स्ट बेडरूम में। तीन बेडरूम है, तीनों में बालकनी है, वेल वेंटिलेटेड, जबरदस्त वेंटिलेशन के साथ ये आप देख सकते हैं। रूम साइजेस की मैं बात करूं तो अंदाजन 12x12, 12x13 के रूम है सारे के सारे, बड़े रूम्स हैं 13x12 के और 12x12.5 के। ये आपको पूरी की पूरी अलमीरा दी हुई है, सामने छोटा सा टीवी पैनल दिया हुआ है, वेंटिलेशन के लिए यहाँ खिड़की दी हुई है। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बड़ी आपको बालकनी दी हुई है, दो बालकनी है दोस्तों। इसको आप अपनी यूटिलिटी बालकनी बना सकते हैं, कपड़े वपड़े धोने, वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ रख सकते हैं, बाकी बाहर वाली बालकनी आप वैसे यूज़ कर सकते हैं बैठने उठने के लिए। आइए मैं आपको ये जो दो बेडरूम है, ये मेन रोड फेसिंग है, वो साथ में गली छोटी थी, ये दोनों मेन रोड फेसिंग है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये पूरी की पूरी खिड़की दी हुई है, वेंटिलेशन पूरी की पूरी, नौ सनलाइट आ रही है यहाँ से, क्योंकि एल टाइप है, गली चौड़ी है, साइड में भी आगे पूरा 30 फुट का रोड है। ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी हमारी बालकनी, काफ़ी लंबी बालकनी है। ये आप टीवी पैनल हो गए, यहाँ पे अलमीरा हो गई और साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम, वॉल माउंटेड सीट के साथ टॉयलेट बाथरूम है दोस्तों। आइए हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम की बात करें तो रूम साइजेस प्रीटी डिसेंट है, वहाँ पे खिड़की लगी हुई है वेंटिलेशन के साथ में, ये आपको डेर डोर हो गया, बाहर आपको बालकनी की पूरी साथ में बालकनी दी हुई है। सामने आप देख सकते हैं रोड प्रॉपर 30 फुट का है, साइड में गलियाँ काफ़ी चौड़ी हैं। तीन बेडरूम, तीनों में बालकनी, तीनों में अलमीरा है, तीनों में टीवी पैनल है, पंखे लगा के दे रहे हैं, लाइट वाइट सब लगी हुई हैं, एक जो नॉर्मल घर के अंदर चाहिए होता है सब कुछ है इसके अंदर। तो दोस्तों, किस चीज़ की वेट है, जल्द से जल्द आएँ, 80% लोन के साथ है ये, प्रॉपर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, जल्द से जल्द आएँ क्योंकि लिमिटेड इन्वेंट्री बची हुई है। लिफ्ट है, कार पार्किंग है, पार्किंग का पूरा मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, जल्द से जल्द आएँ, इसकी साइट विजिट बुक कराएँ और इसको जल्द से जल्द बुक करें फ्लैट को। थैंक यू, बाय बाय।